Yes, ma'am. We can see the presentation, but your voice is breaking. हाँ बबीता जी, आवाज ब्रेक हो रही है. यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. ओके ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके यस मैम. हेलो एवरीवन. हेलो मैम. हेलो, हाय बबीता जी, शैल वी स्टार्ट और वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स? या नो, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हूएवर हैज जॉइंड एज इंफॉर्मेशन सीकर्स. ऑलराइट, सो आई रिक्वेस्ट अनुज जी, मिस्टर अनुज, फॉर द स्क्रीनशॉट. वी शुड open our videos as well, open your videos. Yeah, because otherwise there would be networking issues. So for the time being, yes, just for the time being. Yeah. Hello, hello, good morning. Hello everyone. Hello, hello everyone. Hello everyone. Hello Dr. Supriti Das. Hello Reema. Hello Babita. Hi. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello Mathu ma'am. How are you? Hello. So nice to see you ma'am. It's a pleasure always. I feel as if I'm going back to college. This is a virtual platform where we all can meet. Yes. Yes. Yeah, actually. डॉक्टर अनीता यादव, आर यू देयर? जी जी, तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. तो वीडियो ऑन क्या हुआ है? आप नहीं, शो नहीं हो रहा है उसमें. एक सेकेंड. जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल. इज माय वॉइस क्लियर नाउ? मुझे तो दिख रहा, लेकिन वहां पे कह रहे हैं शो नहीं हो रहा. Dr. Reema Mishra, is my voice clear? Okay. Yes, ma'am. Now your voice okay, is clear. Okay. All right. Video show हो रहा है बबीता जी अब? नहीं, video नहीं show हो रहा. हाँ, अनीता हो रहा है show. अनीता हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. आप देखिए. बबीता जी आपका नहीं show हो रहा. अच्छा, मैं check करवाती हूँ. निमेश, एक बार देखना. बाद में अगर मुझे वीडियो बंद करना होगा तो कहाँ से? अच्छा, ठीक माइक के लिए. ठीक. हाँ, अब आप दिख रही हैं बबीता जी. यस यस, नाउ वी कैन सी. Ah, now it's fine. Babita ji, you're not audible. Ma'am, you're on unmute. Babita ma'am? Yeah, we can't hear you. Sorry, mute. You're on mute. Okay. Am I audible now? Yes, now. Babita, good morning. And all the best. So
started formally. May I request, yeah, please do start. Yeah, sure. ये बंद कर दें आपका काम हो गया. I think video बंद कर दें. Video, video, you can, हाँ, video you can switch off now. And mic also. एक सेकंड. निमेश. Hello, good afternoon. Shall we start? Yeah, good afternoon. Please. A very warm welcome on this warm and sunny afternoon. It gives me pleasure to welcome everyone to the online workshop on academic e-resources organized by our beloved library of Gargi College. And we really thank our librarian Babita ji for the same. She always takes such beautiful projects on, and she's very enterprising. I hand over the mic to Anita Yadav, Dr. Anita Yadav. धन्यवाद रीमा. उपस्थित आप सभी सहकर्मियों एवं विद्यार्थियों का पुस्तकालय समिति द्वारा आयोजित इस ई कार्यशाला के प्रथम दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं. और अगर प्रिंसिपल मैम जुड़े हैं क्या? I think she has a meeting अभी right now, but she'll join in between. Okay, ठीक ठीक. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस महामारी की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था. परिणाम स्वरूप आज मेरे गले में भी बड़ा दर्द है. परिणाम स्वरूप एमफिल पीएचडी एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए ई प्लेटफॉर्म शोध सिंधु लाया गया. शोध सिंधु के माध्यम से विद्यार्थियों को हजारों जर्नल और लाखों पुस्तकें उपलब्ध कराई गई. वर्तमान में शोध सिंधु ess.infibinet.ac.in नाम की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक शोध सिंधु के माध्यम से विद्यार्थियों को 10,000 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जर्नल और 31,35,000 ई पुस्तकें उपलब्ध कराई गई. ई संसाधनों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए बबीता जी और इस समिति का हम इस कार्यशाला के माध्यम से जो पहल की है उसका हार्दिक स्वागत करते हैं. ये ई संसाधन क्या हैं और हम इनका बखूबी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर अब विचार व्यक्त करने के लिए मैं गार्गी महाविद्यालय की पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ से प्रेम पूर्वक आग्रह करती हूं और उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे इस विषय पर अपनी बात रखें और हमें बताएं कि हम इनका बखूबी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. डॉक्टर बबीता जी. बबीता जी की आवाज नहीं आ रही है. Am I audible? Ji ji. Yes, okay. Babita, you're so, audible. I will say that, I'm thankful to all the faculty members who have joined today. And I'm also thankful to the students and the researchers. And why we have chosen this topic of e-resources is that in today's world, ICT is very, very important. And when we talk about, you know, in dissemination of information to the right sources, to the right person is very important. And some online sources are available, which are on open access. Some databases are available, e-journals and e-books, newspapers are all available through the institutional repositories and other ways. Voice is breaking. Voices actually. Yeah, I request all of you to mute your audio. Yeah, am I audible? Is it clear now? Yeah, from our side it's okay. This is what the signal I have got. No, yes, we can hear you. Okay, all right. So, next.
we are starting with digital library, that is National Digital Library, and the URL also I have shown you. So this we can study at home. This is good for the school students, for the CBSE examinations, for science, humanities, literature, law and management. So whoever want to have access to these resources, they can go after registration. Related to COVID-19 research repository, it's also there, and featured collections. So once you go to the website and explore the different e-resources available, you can find out. I'll just click on the URL to show you more. So once you click the URL, you will directly go to the website where all the resources would be accessible. I think some glitches is there. Ye kyun nahi show ho raha hai? Karo. Yeah. So here, no, it was working. So here you can see in the National Digital Library of India, one library, all of it, anywhere, from anywhere you can access this. So it has information related to schools, CBSE examination repositories, and if somebody wants to have a career in engineering or science, they can also have access to this. It also have, here you can see, humanities, related to literature, law and management. Apart from this, all the scholarly publications are available. So those who are into research or those who want to publish paper or want to explore what is there in academics related, they can easily go and access it. Why I'm sharing this? Because aajkal ka jo yug hai jisme sabhi bacche internet ka istemal karte hain, but unko nahi pata ki hame authentic resources par kaise jana hai. तो ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स है जहां पर आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी और कैसे रिसर्चर्स ने और थ्रू डिफरेंट लाइब्रेरीज यहां पर मटेरियल को एक्सेस करने की सुविधा उपलब्ध है. तो डेटा सेट्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस भी हैं इसके अंदर. मैं कोई भी एक क्लिक कर आपको दिखाती हूँ सो दैट यू कैन हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस हाउ टू एक्सेस इट. सो वंस यू प्रेस ऑन दिस सो यू विल हैव लिंक ऑन different aspects. We are, as a library professionals, are the facilitators of the information, and how to access and to explore, that is up to the researchers, students and faculty members. Humne aapko ek raah dikhai hai jis par aapko aage aur explore karna hai. So like NRDC is there, WHO, if you want to have access to related to authentic source, what World Health Organization is doing and sharing, you can go to the website and check it. Aajkal kya hai ki jitne bhi bacche net ka use kar rahe hain, they just write something on the Google and want to find out, and that is why lot of fake information is there which misleads the student. It's better to go the authentic website to access the information. World Economic Forum is also there, other resources listed in WHO. Just let me just for the timing and just clicking on this to show you. So here you can see the hyperlinks of all these are available. So you can see if you want to know about what WHO in bulletin is sharing or related to COVID-19 is there. So whatever information you want to have access, you can access to it. So these are the very, very authentic sources. So my request that go and explore these resources every day. Agar aap bacche research karna chahte hain, usme bhi aap dekhenge the bulletin is fully open access. So if you open it, you will get information related to whatever WHO is sharing, and even the link is also there related to this. So ya to aap inka screenshot le sakte hain, aap directly bhi ja sakte hain, koi problem nahi hai. Or related to what countries are offering, that also you can explore. See, this is about the COVID-19, what other countries are doing.
what South Asia, East Asia is doing, what Europe is doing. So what I wanted to say that everything is available online, but you need to go to the right sources. Now, let's go back after showing this to you. Screenshot I have taken just to show you step by step how to go and explore the website of National Digital Library. Rashtriya Digital Library ke jo aapko jo URL ka link diya hai us par jaakar aap dekh sakte hain ki different kya aur links diye hain. Jaise science mein agar aap jayenge to kyunki kal science walon ke liye maine specifically kiya hai to kal main science walon ko show karungi, but aaj sabhi ke liye hai aaj platform. So common subjects related to this, agriculture, atmospheric science, biology and biotechnology, किसी भी चीज पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में है दैट वुड बी ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन ईजिली एक्सेस एंड यू कैन ईजिली यू नो राइट नोट्स रिलेटेड टू दिस. You can take the information for writing your research papers also by giving proper citations and obligations. And apart from this, law and management, those who want to make a career in law and management, they can also have access to this. Yeah, here you can see something related to literature, study of English literature. Those who have joined today, students from English background, I mean English stream, they can see related to it is a हिंदी सबके बारे में जिनको जानकारी उपलब्ध करनी है यहाँ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड उसके अलावा है लर्न संस्कृत. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही है, संस्कृत के बारे में भी उपलब्ध है, उर्दू के बारे में भी उपलब्ध है. सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं बिना किसी घबराहट के. ये सोर्सेज ऑथेंटिक है या नहीं है, इन पर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि सभी सोर्सेज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में ऑथेंटिक हैं, सभी के एप्पल वहाँ उपलब्ध है. और ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी बच्चे रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी अपने रिसर्च पेपर्स लिखने हैं या इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, वो सभी चीजें आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी. अभी इसके बाद हम आते हैं ई पाठशाला पे, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला. इसका भी हाइपरलिंक यहाँ दिया हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो जितने भी बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे शुड गो एंड एक्सप्लोर दीज वेबसाइट. दीज आर वेरी वेरी यू नो हेल्पफुल वेबसाइट वेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सेसिंग ई रिसोर्सेज. सो इट इज द written here and the contact is also given. So in case any one of you who find any difficulty, you directly contact the persons concerned. Here you can see the arrow. Is the arrow visible, Dr. Reema? Is the arrow visible? Yes, it is. It is. Okay. Okay. Thank you. Thank you. And even for quiz competition, you know. Students, you can, faculty can encourage students to you know participate in quiz. Different quizzes are available. चाहे उनके siblings हैं घर पर, उनको भी आप encourage कर सकते हैं. Because you know the more you explore, the more you come to know, and the more you would be able to you know share the knowledge, and the more confident you would be. So everybody can participate in quiz competition. Certificates and participation would not only encourage but also help them to get the job. Because jitna aapko knowledge hogi, utna hi zyada aap us knowledge ko disseminate kar payenge. So different inke quiz nikalte hain, unme sab aap participate karein aur apne CV mein bhi unko laga sakte hain. And it is also giving information what e-partial is all about. So numerous resources are available here.
related to the mobile apps, storehouse of audio videos, even flip books are there. मतलब अगर पढ़ने में दिक्कत है तो आप फ्लिप बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पेज टू पेज वो किताबें खुलेंगी और आप उनको देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो हियर ऑल द इंफॉर्मेशन बीन प्रोवाइडेड एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सेस एंड इट इज मल्टीलिंगुअल. हियर ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर ई रिसोर्सेज में कुछ चीजें उपलब्ध हैं तो दे वॉन्ट बी अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस. It is available in Hindi, English, and Urdu. So those students who are from the Hindi background or those who have chosen as a stream of Hindi, they can also access to e-Pathshala. Right? इसके बाद में analytics है कि कितना इनके पास e-textbooks हैं. You know, all the e-textbooks, total e-textbooks are 504, and the number keep on increasing. Number keep on increasing and total e resources is 3886. These are the total e resources available on e Pathshala. And let me tell you, whenever you go for the NET exam, usme bhi ye questions aate hain ki kaun kaun se e resources hain, kitna e resources ka data hai. To dono hi tarike se these information would be useful for all our students. Then app rating is also showing 4.4 to 4.5. Total app downloads 4.5. So you can see the usage of it. So the more you use it, the more you access it, the more information you would be aware of. Ab yahan aap dekh pa rahe hain ek video hai e Pathshala spot hindi and e Pathshala jingle hindi. सारे मुझे लगता है सारे विद्यार्थी जो BLS से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ये अच्छा होने वाला है. तो आप उसको भी देख सकते हैं. एंड देन हियर आल्सो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्वयं प्रभा एंड स्वयं. दिस इज अ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल. यू कैन आल्सो एक्सेस टू दिस यू नो वर्कशॉप फॉर ऑल द स्ट्रीम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स. So I'm not going to give it, go in detail for each of the resources available, but day by day I'll go detail into this. So if you can click on it, you will be able to explore more. This is the NCERT research and training. So it's about the e-Pathshala access e-resources and access digital textbook for all classes. Yahan par class kaksha 1 se lekar and 12th and later on. The information is available and access to grading learning materials on this portal. These one by one, if you explore one day each, you will get lot of information. And yahan par aap dekhenge, all the faculty members can encourage students to participate in exhibitions, contests, festivals, workshops. NCERT keep on organizing, so directly you can go to these resources and find out. And even when you participate, you explore the things, you get knowledge. And here is the access audios, videos, interactive images, maps, question banks, etc. I'll just explore this here. Here it is for teachers. Very beautifully they have made the website where resources for teachers are available. E-textbooks, teachers access digital textbooks and e-resources, participate in exhibitors, festivals, contents, workshops. And here is the teaching instructions. So step by step, everything has been provided. Learning outcomes, e-resources, access audios, videos, interactive images. And here is the periodicals and journals. Sometimes if accessibility is not possible for you to access the resources of journals and magazines, you can access them online. Kyunki abhi COVID ka time chal raha hai, abhi bhi, there is a restriction, like it's not fully operational for the timing. So what students can do, even for their exams preparation, though we are far, though library is open, but still those who are unable to come, they can easily access to these resources at home.
if you spend at least 1 hour of your time searching and exploring the Google, my request is that you must explore these resources. And the circulars also keep coming through the circular curricular resources. So aap inko bhi zyada se zyada explore kar sakte hain. Yeah, now this is the EPG Paathshala. So difference between Paathshala, E-Paathshala and EPG means post-graduation Paathshala, right? So this is the EPG Paathshala and the URL of this is there. It is the URL of this. When we will have interaction and workshop for the humanities, I'll show you this. But it's not only for the humanities, even commerce and science students' background can also explore this. This is the E-Adhyan, UGC MOOC online courses. Here it is the whenever you want to, because even UGC guidelines are there, for the promotions of faculty members for doing MOOC course. So you can easily go to the online courses which are available on this platform. You can directly click on it, right? And when you click on it, you'll find, what are the different MOOC courses available for the students, for faculty members, according to their stream. After this, we have E-Pathya, offline access. This also you can explore. Here are the uploaded course subject-wise. Like here, if I go to biochemistry, biotechnology, so these are the courses which have been uploaded, which were approved and got uploaded. और कुछ हिंदी के विद्यार्थी भी जुड़े होंगे, हिंदी के टीचर्स भी जुड़े होंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हिंदी के 592 अपलोडेड कोर्सेज हैं. तो 592 इवन फॉर हिंदी, इवन फॉर होम साइंस, इवन फॉर ज्योग्राफी, इवन फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, सो वट एवर यू से, इवन फॉर बॉटनी. बॉटनी के भी हमारे साथ में काफ़ी सारे साथी जुड़े हुए हैं. लॉट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स फॉर बॉटनी आर देयर. सो 176 uploaded courses are there. So these courses can be explored by students. जब आप उनको कोई project दे रहे हैं, research project दे रहे हैं, so they can go and have access to these resources and they can cite these resources as well because these have been made by the professors. So ये चीजें जब आप explore करेंगे, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. Then related to Indian culture, अगर history के हैं और history से related Indian culture को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 524 uploaded courses are available. Yeah, and sociology, Urdu, zoology के भी 184 sources are available. The only thing is that we need to find out what is good for us. What is authentic information available on internet? Internet, let me just tell you one thing, that internet is not everything. As you know, that many of the resources are still not available on internet. Agar baat kare to 60-70% hi jo research scholars ke jo documents hain ऑथेंटिक, वही आपको इंटरनेट पर मिलेंगे. सब कुछ इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, राइट? एंड गूगल इज नॉट एवरीथिंग दैट वी ऑल नो. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सप्लोर द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, द रिसर्च मटेरियल. और प्रॉब्लम वही आती है जब हम बात करते हैं वेदर द सोर्सेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज और नॉट. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव द साइटेशंस ऑफ इट. तभी प्रॉब्लम आती है, लाइक फ्लैग प्रॉब्लम इज देयर, प्लैगियरिज्म, बिकॉज सब कुछ तो यहाँ मिलेगा नहीं. और एक चीज मैं और आज के जो हमारी वर्कशॉप है उसके माध्यम से बता देती हूँ, दैट वी हैव नाउ एक्सेस टू उर्कुंड, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इज एक्सेसिबल फॉर उर्कुंड. दैट वुड बी थ्रू द रिक्वेस्ट सेंड टू द प्रिंसिपल ऑफ द गार्गी कॉलेज एंड दिस विल कम टू मी एंड आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू give a report. So this is a plus point and I'm happy to announce this. So those who want to get their plagiarism check, they can send the information to the principal and it will come to me. It's for the faculty members. Now here is the online quiz system.
Here you have to write your subject name, paper name, module name, and then you can go ahead. Now, another area of exploration is the Delhi University library system. I get lot many queries on my WhatsApp number since I shared my WhatsApp number when we had the orientation program. And then I thought that why not have a 7-day workshop. So that is why today is Tuesday, till Monday. So all 7 days I would be available. So first 4 days I would be for the subject wise, and later 3 days would be question answer session. I'll be available. So this is a one platform where everybody's queries can be solved. Otherwise, day to day answering to everyone is not possible for me. So that is why I thought to have it for 7 days and workshop for this. So when we go to the crl.du.ac.in, because we are college, all the college of DU are members of DULS. This is the Delhi University Library System, where you can explore the whatever e-content is available. And here you can see the arrow here, the DU remote login. You can remote login from here also. A core problem thi, like many of the faculty members and students were wanting to explore, that they are not able to view the full text of journals. So let me tell you, the full text journal is available in the premises of DU only, because there is a tie between the publishers and the supply, the organization. So whatever they have made the contract, it is according to the contract made between the publisher and the user. So DULS is the user, so it is up to them. Whatever information we get, whatever is accessible to us, we would be able to access. Rest would be through the DU remote login or at the premises of the DULS. Now, let me just explore this. Yeah, here is the subject portal of Delhi University Library System. So if you go here, all the students can go and explore. There is just botany. So if you click it, it will show you related to botany. So these are the different subjects available, like Hindi, history, library and information science, like department is there of library and information science. So you can also explore. Those who want to make career in library and information science, they can go and explore this also. Now we have computer science, we have chemistry, we have Buddhist studies, electronic science, environmental studies. So all the information is available. Now here you can see the online services. What DULS online services are available? One is the OPAC, online public access catalog. Other one is digital collection. यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एंड इवन डेलनेट दे हैव एंड ई रेफरेंसिंग. सो दिस दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लिस्टिंग सर्विस दे हैव. अब इसमें अगर आप ओपैक के थ्रू जाएंगे, तो जैसे हमारी लाइब्रेरी में सर्चिंग की फैसिलिटी है ओपैक के थ्रू, सेम फैसिलिटीज अवेलेबल इन DULS. यू कैन फाइंड आउट विच बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम इज having, okay, which books are available at that time, which books have been issued, and when they would be accessible. These books you can just find out through the title, subject, even through the keyboard, or if you know the ISBN number of that book, you can click on the ISBN. Now you may ask, what is the use of accessing OPAC when we cannot access the complete textbook? Here I would like to say that if the book is not available in the market or in our Gargi library, and if the book is available there, you can access that book physically while knowing the book is available. Here, in case if you find any problem related to DULS electronic referencing service, the portal, the name is given, contact information, and the email also is given. So you can directly contact them. In case some resources are not working,
Dr. Rajesh Singh is the university librarian, very helpful. So you can directly tell him that this resource is not working, and he'll find out what is the problem, you know, where the glitches are there, some technical glitches maybe, or maybe full text has not been subscribed. So any kind of information related to this, any kind of problem that you face, you can directly contact. Now, here is the subject gateway repository. This is of Advocate Khoj. So related to anything which is related to you know, law, you can go to this website directly. The beauty is that these are the authentic sources. It's not like Google, you just type it and you'll get the information. But here, all the information you'll get related to what are the you know, court cases, kitna court cases mein aage cheeze badhi hain, aur kin kin subjects par hain, all information you'll get it. And here the post migration online e-print network ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ एक एडवोकेट खोज का ओपन करके दिखाती हूँ. सो यू विल फाइंड आउट, यू नो, या दिस इज एडवोकेट खोज. सो लॉ लाइब्रेरी, जितने भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन के बाद, दोज हु वांट टू परस्यू यू नो समथिंग रिलेटेड टू लॉ, सो दे कैन. दिस इज अ स्कूल ऑफ लॉ एंड दिस इज द एडवर्टीजमेंट एक्चुअली. And here is the legal tip. So, चाहे आप botany के students हैं, या आप chemistry के students हैं, या आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, anybody who want to access, even somebody from your home, if they want to access something, what is going on, so they can you know, explore these resources. Why I am requesting? Because गूगल पर आप पूरा दिन सर्च करेंगे और अंत में आपको लगेगा कि अरे दो घंटे हमारा वेस्ट हो गया, राइट? बट यहाँ पर क्या है कि आपका एक भी घंटा, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन द हैंड्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑथेंटिक रिसोर्सेज. सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट इज एग्रीमेंट्स, यू नो, इट्स नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज यू विल हैव, एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडिंग, the material would be available, what is there apart from your textbook. So what is the agreement, how to make the agreement, what are the contracts, you know, these information you can explore. Then forms, passport wagara ke liye information chahiye, aapko areas of law ke bare mein, supreme court judgments, if you want to explore any judgment related to what has happened in supreme court, and you can see here through the arrow that latest supreme court judgments are there, है ना, विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड देन वी कीप ऑन आस्किंग समबडी और द अदर, यू नो, कि क्या हुआ है, कहाँ प्रोग्रेस हुई है. तो कुछ नहीं है, आपको लाइब्रेरी रिसोर्सेज जो हम आज आपको शो कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू दीज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड फाइंड आउट, यू नो, वेयर एंड विच कोर्ट केसेस लैगिंग एंड विच इज गोइंग स्मूथली. सो ब्रैक्स ऑल्सो इज देयर, रूल्स इज ऑल्सो देयर, ग्लॉसरी इज ऑल्सो देयर, सो everything on your fingertips, whatever you want to explore. The next, yeah, so here you can see different websites been given to you, and their URLs are also given. Here, math forum, internet mathematics library. So what is there if you want to explore something related to mathematics? So you go directly to this resource, http://mathforum.org library, right? So let's see what is there. Yeah, so activities with Rigor and Coherence, resource libraries on My NCTM, another you know, the hyperlinks been given, so you can directly go to these. Then the classroom resources, what are the publications, so here you can see mathematics teacher, learning, teaching, PK 12,
mathematics teacher education, institutional subscription, advertisement, best of issues, journal of research in mathematics education, right? So you can go one by one to explore standards and positions, advocacy, research, research briefs and clips, research conferences. These are the all the areas of exploration. The more you explore, the more you'll come to know, right? Then grants and awards. So everything is there, and even the publications they have, their classroom resources, back to school resources. We can go one by one according to our needs. आपकी जो नीड है उसके हिसाब से सभी ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये देखिए स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन इन मैथमेटिक्स. जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं दे कैन गो एंड फाइंड आउट व्हाट यू नो इज देयर फॉर देम टू एक्सप्लोर हियर. You can go to learn more and find out more. Now next. You are sharing screen? Okay, ye minimizing this and again it is coming here. वैल्यू ऑफ शटल वर्चुअल लाइब्रेरी. यू कैन गो टू दी वर्चुअल लाइब्रेरी. वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? जैसे हमारे यहाँ जैसे आपकी लाइब्रेरी है गार्गी की, इट इज बोथ बोथ इन द सेंस लाइक वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड वी आर गिविंग यू फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स. बट हियर इन www वर्चुअल लाइब्रेरी यू विल गेट बुक्स ऑनलाइन ओनली. तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. Here, this is again give you a lot of information and lot of e-resources available on different areas like agriculture, arts, business and economics, related to education, primary, secondary and tertiary, and engineering, humanities and humanistic studies. So, इसमें आप history, languages, linguistics, किसी भी area को explore कर सकते हैं. Information and libraries. Law, natural sciences and mathematics, regional studies, societies. So these areas you can explore. And now some electronic journals are also available, right? So what are the electronic journals which are available online through electronical mode? Like few of the journals which we have. Soft copies, hard copies of this in our library may be accessible through the online. But अगर उनका हमने subscription लिया है और तभी वो हम उसको access कर पाएंगे. But open source में आप उनको भी explore कर सकते हैं. So here are the directory of open access journals. कुछ open source में available होगा तो आप open source मतलब आपको उसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना और आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? सो सपोज वी गो टू इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स ऑफ एजुकेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम क्लिकिंग हियर. इज नॉट ओपनिंग, मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर. सो लेट्स गो टू दिस, फाइंड आउट. या yeah, here it is. So about BioLine, all journals पर जब आप क्लिक करेंगे और साथ ही साथ में जितने भी societies हैं, जितने भी URLs दिए हैं उनके बारे में भी आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो all journals पर हम क्लिक करते हैं. So here you can see the active journals by country. किस कंट्री के कौन कौन से एक्टिव जर्नल्स हैं और कितने एरियाज वहां पर उसमें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. लाइक हियर वी हैव बांग्लादेश, वी हैव ब्राजील, वी हैव चिली, वी हैव चाइना. नो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इंडिया. या हियर
Here you can see Indian Journal of Community Health. You know, here again is showing available issues. Kitne journals online available hain? Kitne journals ko humne online kar diya hai? And about this journal editorial board, instructions for authors, contact this journal. जो अगर अगर आप लोग राइटिंग करना चाहते हैं, आप लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दिस जर्नल एंड हियर द आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स व्हाट आर द एरियाज दे वांट टू यू नो इंक्लूड इन देयर यू नो जर्नल सो यू कैन टॉक डायरेक्टली टू देम यू कैन फाइंड आउट हु आर देयर इन द एडिटोरियल बोर्ड एंड अबाउट दिस जर्नल एंड अवेलेबल इश्यूज देन द मेंबरशिप इज ऑल्सो देयर यू कैन एक्सप्लोर मोर Yeah, even Springer Open is there. No, Springer Open is there. You can go directly to open the link. Miscare is there. आप किसी भी जर्नल किसी भी URL पर जाएंगे ये जो हमने आपको URLs दिए हैं it took lot of time to find out and providing their URLs and which are working with the hyperlink. So lot of time being devoted to all these. So अगर हम सिर्फ एक ही इस पर जाकर देखते हैं, let's see आपके सामने okay cannot download the information you requested. Sometimes it happens due to the connectivity or due to the bandwidth problem, but you can keep on exploring. और e-shoth सिंधु में भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपकी PhD thesis हैं, those are available. जितने भी शोधार्थी हैं जैसे कि मेरा पीएचडी भी इट इज अवेलेबल जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं देयर पीएचडीज आर अवेलेबल तो उनको भी देखकर आप जितने भी पीएचडी करने की इच्छुक हैं दे कैन गो एंड एक्सप्लोर द एरियाज राइट दे कैन एक्सप्लोर लाइक यू नो व्हाट आर द अदर अर्लियर रिसर्चर्स हैव डन रिसर्च ऑन एंड दे कैन प्रिपेयर देयर रिसर्च अकॉर्डिंगली दे कैन फाइंड आउट द टॉपिक तो एक तरीके से हेल्प है अगर आप ईश्वर सिंधु पर भी जाते हैं तो अभी क्योंकि टाइम लिमिटेड है और एक एक एरिया को हमें एक्सप्लोर करना है तो मैं जस्ट आपको एक गाइडलाइन के थ्रू आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू सो दिस इज मिस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी दे हैव देयर रिपोजिटरी एंड देयर ऑल द यू नो रिसर्चर्स हैव गिवन देयर इनपुट्स दे हैव डिपॉजिटेड सो अब इसमें आप देखेंगे रिसेंट सबमिशंस कितने हैं प्लीज And you know different subjects are there. Who the author you can find out if you want to explore any author, and you can see their you know submissions, their subjects and date issued. This is the latest one. So 1563. ये चीजें भी आप अपने research में इस्तेमाल कर सकते हैं when you are writing a research article, research paper or you know writing a research book journal. So you can take the help of this. So let us go and explore this if it is opening. Yeah, open. Yeah. So this is the search research journals. You know, these are the different you know topics. Indian Journal of Biotechnology, Chemical Technology, Indian Journal of Chemistry. So you can explore one by one according to Your need. Okay. So here you can see the filter is also there. Add filters. Use filter to refine the search results. Problem kya hoti hai when we write you know incomplete things, it will show lot of information, whatever is available. So what you can do, you can refine your search. Whatever exactly you want to see, you can see through your refined search. So, uske hisab se result will be shown to you, right? Here is the current filters, date issues equals. ये 2020 और 21 का दिखा रहा है, और इस तरीके से आप अलग-अलग कर-कर देख सकते हैं. Author wise भी है और सब भी है. Suppose कीजिए मैं कोई भी ले रही हूँ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लेना है तो सपोज हम कोई भी लेते हैं
just aapko dikhane ke liye to explore, you know, what is there. So I'm clicking on this and you'll find out, you know, this is the title, application of novel efficient and agro waste source catalyst for novel condensation reaction. And this is the author. Isme author ke bare mein, if you want to explore, you can go and click to the author and all the information related to that author would be available. How many times the author been cited, you know, that is also very important when you write a research paper. And for how many times author been cited, you can you know, see the author's writings and use them. And here are the keywords. Keywords mein kya hoga, jaise ki agro waste agar aapko dekhna hai, you know, related to this. So anyone who is working on this field, आप अपनी फील्ड का सोच के देख सकते हैं. यू कैन थिंक अबाउट योर फील्ड एंड देन यू कैन एक्सप्लोर द एरिया. सो इफ यू राइट एग्रो वेस्ट और एनी कीवर्ड, व्हाटएवर इज अवेलेबल एज अ रिसर्च पेपर और इन रिसर्च राइटिंग वुड बी शोन टू यू एंड देन यू कैन गो टू द ऑथर साइट एंड फाइंड आउट यू नो साइटेशन. एंड हियर यू कैन सी हु इज द पब्लिशर. दिस इज द नेस्कियर सीएसआईआर इंडिया एंड दिस इज द abstract of the research paper. So all the information is available, number of pages, ISSN number. ISSN number sabhi ki jankari ke liye, this is for the journals, right? ISBN is for the books. So this question also comes, you know, what is ISSN and what is the ISBN, right? So yahan bhi aap dekh sakte hain, this is the online ISSN number and this is the print. So when we you know, get any journal in our library, we get the print version and the ISSN number of print is available. Though we are you know, available for offering the online as well. So unka cost alag aata hai. Online ke liye alag cost hota hai, offline yani ki print ke liye alag cost hota hai. Dadaji, kisi site par jaake dekhna hoga? हाँ, आप साइट पर, आप मिस्केयर की साइट पर जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, या जो मैंने यूआरएल अभी आपको शेयर किया है उससे डायरेक्टली आप जा सकते हैं. क्योंकि क्या है कि आजकल क्लोनिंग बहुत हो रही है. क्लोनिंग मींस ओके, समबडी क्वेश्चन्ड आल्सो, ओके आई विल गिव द आंसर लेटर. आल्सो जैसे निस्केयर है, दैट्स ओनली फॉर साइंस जर्नल्स और इज इट फॉर सोशल साइंस जर्नल्स आल्सो? आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें. एक्सप्लोर व्हाट इज देयर, यू माइट गेट यू नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, गेट मोर ऑफ दैट. तो इसमें या सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड एक्सप्लोर दीज रिसोर्सेज. एक भी रिसोर्स को अगर आप एक दिन में लेते हैं फॉर वन आवर, यू विल फील दैट इट्स वर्थ. This is for sciences. हाँ, so I आप social sciences के अगर कुछ जैसे URLs share करेंगे, so that will be helpful for us also. Yes, we have. That is why we have divided these days. First day, first day is today. It's for everyone. So here, all the you know, faculty of science, students of science, commerce, and humanities are available. Tomorrow would be for science, and day after for commerce, and after that it would be for humanities. राइट. तो इसीलिए आज सिर्फ एक आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए, जस्ट एक गाइडेंस देने के लिए द वर्कशॉप बीन कंडक्टेड. आई विल बी अवेलेबल थ्रू आउट 7 days फॉर दिस. सो वेन एवर यू नो हैव द क्वेश्चन, लास्ट 3 days वुड बी फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके ओके ओके. थैंक यू मनीषा. या सो लेट अस गो अगेन. या here you can see open science directory, you know, when you explore these public library of science, PubMed Central. Aap koi sa bhi bole to I can you know open this. Let's open this open science directory, or let's open this PubMed Central, what it contains. Yeah, it is opening. And it also depends the bandwidth that you have, the connectivity that you have. Sometimes it take a little longer time to explore, but koi ghabrane ki baat nahi hai, thode time ke baad open ho jate hain.
और कई बार वो थोड़ा सा ओपन होने में डिफिकल्टी लगती है या इट टेक्स लॉन्गर टाइम. सो इट डजंट मैटर, इफ यू कीप ऑन ट्राइंग टू एक्सप्लोर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर दीज ऑफरिंग. अब जैसे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, COVID-19 ये जैसे है, आप कहीं पर भी आप देखते हैं कि यू नो व्हाट्सएप पे लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर, एंड दैट इज व्हाई द पीएम आल्सो अर्जेड एवरीवन दैट डू नॉट गो टू र्यूमर्स, डू नॉट बिलीव ऑन र्यूमर्स. सो इट्स बेटर टू गो एंड एक्सप्लोर व्हाट WHO इज सेइंग, राइट, व्हाट गवर्नमेंट यू नो ऑर्गेनाइजेशंस इज सेइंग. और सभी विद्यार्थी जो जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू गो टू gov.in. आपको वहां से क्या हमारी गवर्नमेंट यू नो कह रही है, क्या चीजें ऑथेंटिक चीजें बता रही है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट थ्रू देन इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग इट थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू जस्ट गूगलिंग. यू नो एवरीथिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कीप ऑन पोरिंग, दैट ओनली डिस्टर्ब्स अस, राइट. सो दीज आर द ऑथेंटिक सोर्सेज यू कैन गो एंड फाइंड आउट. नाउ हियर इट इज टू पार्टिसिपेट इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिशर्स. सपोज इफ यू वॉन्ट टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर और योर बुक, राइट, तो यू कैन यू नो गो डायरेक्टली टू दिस, फाइंड आउट यू नो हु ऑल आर पब्लिशर्स आर देयर एंड हाउ टू राइट एंड योर योर स्टफ दैट यू आर राइटिंग एज अ मैन्युस्क्रिप्ट. इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. हाउ टू इंक्लूड अ जर्नल इन PMC, राइट, पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स. तो काफी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है. जितना आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाएंगे, यू विल बी हैविंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. नाउ हियर यू कैन सी दैट 6.7 मिलियन आर्टिकल्स, दीज हैव बीन आर्काइव्ड. इट्स अ वेरी वेरी बिग यू नो नंबर. सो यू कैन इवन एक्सप्लोर दीज ऑफ अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एरिया, राइट. जिस भी सब्जेक्ट एरिया से आप हैं, बिलोंग करते हैं, आप उस एरिया में जाकर उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. या सो ऑल द साइंटिफिक जर्नल, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द रिसोर्सेज व्हिच वुड बी अवेलेबल नॉट ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, नॉट ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट यू नो इवन फॉर यू नो देयर सिबलिंग्स हु आर स्टडिंग इन स्कूल. And of course, yes, for the faculty members or those who want to do research work. So, lot of things are there. Here is the electronic book. So, you can go one by one to explore these also. Biodiversity Heritage Library. Then, complete works of William Shakespeare. This is for the, you know, those who are into the area of doing research or want to explore what is, you know, English literature is offering and the works of William Shakespeare. ये सब चीजें हैं, बट ड्यू टू दी पॉजिटिव ऑफ टाइम आई एम जस्ट गोइंग वन बाय वन, जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस. देन हियर इज द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यू कैन गो अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ कॉमन्स एंड बुक्स, ई बुक्स, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ई सर्वर. ये चीजेस देन जिनका होगा लाइक फॉर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, आई विल एक्सप्लोर गोइंग टू वन बाय वन इन डिटेल. हियर यू कैन सी द फ्री ई बुक्स आर अवेलेबल. You know, these are absolutely free. And free library is also there. Here you can see free library. Great books and classics. Agar classics kisi ko padhne ka shauk hai, to aap directly you can go and you know download these. Agar flip books hain, to flip books se bhi aap dekh sakte ho. Right? And here is the internet archive. Whatever is archive is whatever been done. So they have the repository where all the you know research articles and books are in the archive section. Then internet public library is also there. Just free books is also there. You can go to this side also. Then online book page is also there. ये सारे e resources हैं जो आपको online मिलेंगे. Read print site again is a URL. Then universal digital library, इसको भी मैं आपको explore कर कर दिखाऊंगी. And these are the dissertation and thesis. You know, those who are working in this field, those who are you know do want to do research or PhD or you know write a research paper, they can go. Ek example ke liye, I'll just show you this Mahatma Gandhi University online thesis library. So you can go and find out. Ek ye aapko ek aur URL dikhai de raha hai yahan par through my cursor, Shodh Ganga, implement.ac.in.
मतलब इतना सारा कुछ अथाह समुद्र है ये, जिसको कोशिश की है हमने ही थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, बट अगर आप इसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर फ्रॉम द शोध गंगा इंफ्लुएंट डॉट ए सी डॉट इन. इसको मैं आपको 1 मिनट के लिए एक बार शो करके दिखा देती हूँ. मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एक बार फिर से दिखा दीजिए. टेकिंग टाइम टू ओपन. बबीता जी, इफ यू कुड शो द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, दैट स्लाइड. इट वाज बैक वन और दिस वन. या इसके पहला आई थिंक यू नो अर्लियर टू दिस वन. ओके आई विल शो यू. या अभी तो ये वाला स्क्रीन खुल गया है, बट बिकॉज फिर अदरवाइज फिर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न. Here it is. Yeah. This is a reservoir of Indian theses at InfluNet. यहाँ पर जितने भी थीसिस हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, whichever been done in India, that would be shown. A reservoir of Indian theses. तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप देख सकते हैं किस विषय पर कितना शोध हो चुका है, राइट? कितना रिसर्च is already there in India related to a particular subject. So this also you can find out. वो मैं आज आपको नहीं दिखा पा रही because of paucity of time, because another meeting is there. So that is why 7 days been given to you. So that's it for today. I think I wanted to, but you know, yeah. So this is again multimedia resources. Yeah, you were talking about. So these are the multimedia resources. वर्ल्ड लेक्चर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो देयर. आप एक चीज को भी अगर लेके तो आपका पूरा दिन बहुत ईजिली निकल जाएगा. आई एम वेरी श्योर टू हैव दी यू नो प्रॉपर ऑथेंटिक रिसोर्सेज विच नॉट ओनली ईज योर माइंड एंड हार्ट बट गिव यू यू नो प्रॉपर थिंग्स यू नो दैट यू वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. जहाँ आप ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहा था, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा. दिस आर द मिसलेनियस इंडिया एनवायरमेंट पोर्टल. तो जितने बच्चे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, they can go here, India Environment Portal. And then Open Access Databases, JSTOR is also there, Open Access Library is there, Oxford Academic Science Open, very good resources are there. Directly aap yahan jaye, directly link pe click karein and the website will open for you. So there are some other important links. SWAYAM is there, National Knowledge Network is there, NAPTEL is there, Talk to Teachers. This students can explore. Talk to teachers, they can explore. Then virtual labs, spoken tutorial, you can go to the spoken tutorial to, you know, ease your way of speaking. E-Yantra, Oscar, E-Kalpa, बहुत सारे हैं. आपको अपनी अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर करना होगा. NCERT टेक्स्ट बुक्स, जिन बच्चों के पास नहीं है, आपके घर में जिन बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं है, दे कैन गो डायरेक्टली टू दिस लिंक एंड देन दे कैन एक्सप्लोर. You know, NCERT for class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and they can download it, copy it. It's freely available. You can go to the NCERT. This is the URL of this. Then directory of Open Access Books is there. Open Access Journals is there. DOAG se aap ja kar le sakte hain. And World Book is there. UGPG MOOC. MOOC ke upar. UGPG mein kya kya subjects available hain. You can go and find out. Eshort Sindhu, Vidwan. सभी के ही जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनके यूआरएल्स हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप हाफ यूआरएल अगर टाइप करते हैं तो इट विल टेक यू टू नेविगेट यू टू समवेयर एल्स और वो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं होते, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर यूआरएल्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस. यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दीज. कल हम फिर से मिलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का टाइम यहीं तक था. एंड कीप योर क्वेश्चंस रेडी फॉर द लास्ट 3 डेज, राइट? डॉक्टर रीमा मिश्रा इज देयर? यस मैम, यस मैम. या कैन यू हियर मी मैम? यस यस यस. ओके ओके, थैंक यू मैम. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू प्रपोज अ हार्टी वोट ऑफ थैंक्स
on behalf of organizing committee. First of all, we would like to thank our resource person, Dr. Babita Gaur ma'am, for delivering an excellent, elaborate and informative lecture on academic e-resources. I'm sure ma'am students will definitely benefit a lot from this workshop in the coming days. We would like to express our profound gratitude to our respected principal ma'am for her constant support and guidance. We would like to thank all the faculty members for joining us today and for encouraging students to participate in this workshop. I would like to thank our organizing committee for their constant support and encouragement and guidance. We would like to thank Mr. Anuj and Ms. Himani for the technical support. Last but not least, we thank all the wonderful students for showing their interest in the program, for being a wonderful audience. So once again, I would like to thank everyone for joining us today. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. So see you tomorrow. Thank you for a wonderful workshop. I have a request. Is it possible to share this PPT, because all your things are hyperlinked? So it'll be easy for us to do a little bit of homework before we come for your tomorrow's class. It would be my pleasure. Of course, definitely, I'll share. Please, definitely. Thank you. Thank you. Thank you, Deepa ji. Thank you.